आज सेंटर में जो जेसवा है उसके साथ उसका फ्रेंड आया है। आपका नाम सर? जीत माकड़िया। जीत भाई माकड़िया आया है। ये जो जेसवा कर रहा है सिस्टम, उससे उसका जानने का इंतजारी हुआ कि ये क्या सिस्टम है, बराबर ने? हाँ जी। आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो फिर क्यों आप आइए साथ में उनसे, जयेश भाई से मोटिवेट हो के कि हेल्थ वाइज और एनर्जेटिक महसूस करने के, मतलब के बॉडी में थोड़ा वेट कम करने के लिए और स्फूर्ति के लिए। मतलब वो आपके साथ में ही काम करते हैं? मतलब मेरे मामा है। अच्छा अच्छा आपके मामा है, तो मतलब उसका देख के उसको ऐसा क्यों फायदा कैसे हुआ वो देख के आप अपनाना चाहते हैं? हाँ जी, सही बात है, अच्छी बात है। आप और कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, अच्छी बात है। देखो, भगवान ने हमको जीवन दिया है तो अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए दिया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गलत खान पान से उसमें सब बीमारी आती है और वो बाद में प्रॉब्लम करती है। तो अगर पहले से ही हम सोच लेते हैं, अच्छी तरह से खान पान समझ लेते हैं, तो जैसा दूसरा पशु पक्षी है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हमको भी कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकता है। लेकिन वही सबसे हम सोचते हैं। दूसरा उसका फ्रेंड है, क्या नाम सर आपका? दीपक भाई बेचरा। दीपक भाई बेचरा, क्या आपको क्या लगता है जयेश भाई का एक्सपीरियंस से? जयेश भाई और हम सब साथ में टिफिन खाना खाता है। अच्छा, दोपहर का। और हम एक साथ में दुकान में काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमको ऐसा लगा कि जयेश भाई को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, उसकी वेट 100 था, तो 10 दिन में 4 kg कम क्यों हुआ? और चाय की इसकी इतनी तलब था तो तलब क्यों छूट गई? कुछ दवाई नहीं, कुछ नहीं, ये तलब छूटना बहुत मुश्किल था। हाँ, आप तो साथ में वो देख के हमको ऐसा लगा कि उधर आप जो गया है उधर मिलने का है। अच्छा, तो हम मिलने को इधर आया है, तो हमने देखा हमको कुछ बीमारी नहीं है, खाली हम जीवन दौरी जीने के लिए अच्छी तरह से डाइट होने से अच्छा जीने का है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम आया है। अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है। अगर सिस्टम भी अच्छी मिल जावे तो जितना आप स्वस्थ, और ये सिस्टम ही ऐसी है। और आपको मालूम है कि आज हॉस्पिटल में कोई भी आदमी जाते हैं तो कितना खर्चा आता है, बराबर? वो तो खर्चा आता है। और हमको इधर ऐसा भी वो मिला कि भाई आपको दवाई नहीं लेता है, और दवाई नहीं लेने का इसकी तैयारी करो आप, बस उसके लिए हम सोच रहे हैं। जॉन सर का वही मिशन है। इधर भी हॉस्पिटल में जाओ तो आप कोई भी दवा लिख देगा आपको कि भैया दवाई लो। इधर ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं लेता है तो मत लो, और नहीं लेने का वो सोचने के लिए आप आइए। अगर आप लेते हैं तो भी उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं, ये इसमें से मालूम पड़ेगा। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू, नमस्कार।